अयोध्या के संत समाज ने एक सुर में सपा के पक्ष में आवाज की बुलंद, तो फिर सत्ताधारियों की बोलती हो गई बंद। उपचुनाव से पहले फिर खेला हो गया। संतों ने कहा बीजेपी की नींद तो लोकसभा चुनावों ने ही उड़ा दी, रही सही कसर अब उपचुनाव कर देंगे। 2027 में देखेगा सपा का शानदार जलवा। पूर्व सीएम से पहले की मुलाकात और फिर संतों ने कह दिया कुछ ऐसा कि मचा सियासी हल्ला बोल। देखिए क्यों बीजेपी के हवास दे रहे जवाब। समाजवादी पार्टी का जो जलवा इस दौर में दिखाई दे रहा है, ऐसा तो सरकार में रहते हुए नहीं दिखा और सत्ताधारी सरकार में होने के बाद भी बेकार से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हालातों पर मंथन का दौर जारी है और दूसरी तरफ मंथन से पहले अखिलेश यादव ने ऐसा धमाका कर दिया कि अब आने वाले उपचुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल गए हैं। जैसा अयोध्या में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, अब उसी अयोध्या के संतों ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। और अब संतों ने जब एक सुर में अखिलेश यादव की तारीफ के कसीदे पढ़े और समर्थन का ऐलान किया तो सत्ताधारियों का माथा ठनक गया। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा का जलवा चरम पर है, लेकिन अब सोने पर सुहागा हो गया। और लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात की। अयोध्या के साधु संतों ने अखिलेश यादव को रामनामी भेंट की। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार ने अयोध्या के लिए कई काम किए हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या में जल भराव और सड़क धंसने की समस्या की भी जानकारी ली। इस दौरान अखिलेश के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश कुमार भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या के नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी में निराशा और हताशा है। समाजवादी पार्टी आने वाले उपचुनाव भी जीतेगी, साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा छूमंतर हो गया है, वैसे ही बिजली के खंभों से लैंप लाइट सब कुछ गायब हो गया है। अखिलेश ने कहा कि जनता पूछ रही है कि जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट जो कि अयोध्या में ही आती है, यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार चुनाव जीते हैं। अवधेश कुमार ने बीजेपी से दो बार के सांसद लल्लू सिंह को चुनाव हरवाया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और ऊपर से अब संतों के समर्थन ने ऐसा तहलका मचा दिया है कि सत्ताधारियों की नींद हराम है। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद से लगातार सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा माहौल इस बात से गर्माया हुआ है कि अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी को लग रहा था कि राम मंदिर के प्रचार के साथ ही बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर लेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से सियासी समीकरणों को सेट किया कि बीजेपी यहां पर चारों खाने चित हो गई और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बन गए, जो कि पहले विधायक हुआ करते थे। ऐसे में अब बीजेपी जहां इस सीट पर हार को पचा नहीं पा रही है, तो वहीं इस सीट पर मिली जीत से समाजवादी पार्टी का जोश सातवें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।